आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर जहां पूरे देश में भगवान श्री राम और माता सीता को धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में पूजा जा रहा है, इसी पावन त्यौहार के उल्लासपूर्ण दिवस पर आईटीआई रोड स्थित उद्यमिता फाउंडेशन द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ता अभिनव सिंह युवा भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर उद्यमिता एमएसएमई फाउंडेशन की ओर से अभिमन्यु सिंह युवा भाजपा नेता का भव्य स्वागत किया गया था। युवा भाजपा नेता ने श्री राम के टेलिये चित्र पर माला पहनाकर एवं दीपक प्रज्वलित कर आयोजन का उद्घाटन किया। उपस्थित सैकड़ों युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ जय श्री राम और जय माता जानकी का जयघोष किया। विशाल भंडारे एवं लड्डुओं का मिष्ठान वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसका विधिवत प्रसाद रूप में वितरण इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष विवेक चौहान, संगठन मंत्री अजय चौहान, जितेंद्र बघेल, करुण राघव, बलवीर सिंह, गीतेश कुशवाहा, विशाल राघव, अनुज शर्मा, अमित अग्रवाल, गौरव जादौन, आकाश दीक्षित, सुमन चौहान, शैलेंद्र चौहान, जिला उद्योग केंद्र एन रंजन राणा उपस्थित रहे। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम विवेक चौहान है, जिला अध्यक्ष भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़। आज हमारे संगठन मंत्री अजय टीम के द्वारा नुमाइश ग्राम लाल ताल के सामने कार्य का आयोजन किया गया है। राम मंदिर के उपलक्ष्य में और हम बहुत ही भीड़ भट्टी में बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम मनाया गया। अब पन्नू जी ने इसका उद्घाटन किया और मुझे भी आप किया, मैं भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी मेरा नाम सैले और समस्त पूरे देश के गर्व देशवासियों को उन पर गर्व होगा कि हमारे देश की सनातन धर्म की आज से स्थापना हुई है। कितने उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने खुश हैं आप सब लोग? हम ही क्या, पूरा देश खुश है, सारे जनता खुश है, पूरे 140 करोड़ लोग खुश हैं। कम से कम इस देश के सनातन परंपरा आज से प्रारंभ हुई है। आज इतना खुशी का मौका है जो 500 वर्ष बाद आया है श्री राम के लिए। आज कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ जय श्री राम के अलावा। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा तरुण राघव नाम है।